कहते हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, और इसी मानवता धर्म को निभाने के लिए ललितपुर जिले की महिला ने कोरोना मरीज को अपना प्लाज्मा डोनेट करते हुए समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। देश में फैली महामारी से अब निपटना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सबसे पहले सावधानी और दूसरी बात एक दूसरे का सहयोग। जी हाँ, अगर आप कोरोना को हरा चुके हैं तो अब आप दूसरे कोरोना के गंभीर मरीजों के काम आ सकते हैं। आपको बता दें कि प्लाज्मा डोनेट करके कोरोना के गंभीर मरीजों को इस महामारी से बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि झांसी में अभी तक 3 पुरुषों ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, लेकिन इसके बाद ललितपुर की अलका जैन ने अपना प्लाज्मा डोनेट करके समाज को एक नया संदेश दिया है। दरअसल ललितपुर निवासी अलका जैन 14 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तालबेहट के L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद वह 23 जुलाई को ठीक होकर अपने घर वापस आई। डिस्चार्ज होने के 28 दिन बाद उन्होंने एक गंभीर मरीज तनुषा को अपना प्लाज्मा दान किया है। दरअसल 20 वर्षीय तनुषा को गंभीर होने पर झांसी में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसके इलाज के लिए प्लाज्मा की जानकारी की आवश्यकता पड़ी और उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था। जब ये जानकारी अलका अमित प्रिय जैन को हुई तो उन्होंने झांसी जाकर प्लाज्मा थेरेपी के लिए तनुषा को अपना प्लाज्मा डोनेट किया। अलका जैन ने बताया कि उन्हें प्लाज्मा देने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चला कि शरीर से कुछ निकला, जबकि इसके पूर्व वह 7 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के बाद बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं अलका बिंद्री जैन। कल झांसी में मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। 14 जुलाई को मैं कोरोना पॉजिटिव हुई थी और तब से 28 दिन जिनको भी कोरोना से रिकवर हुए हो जाते हैं वो लोग अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। तो एक ज़रूरत पड़ने पर एक बच्ची को मैंने अपना प्लाज्मा दान किया और मुझे कोई किसी प्रकार की कोई भी कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा डोनेशन की प्रोसेस में वो प्लाज्मा सिर्फ लेके आपका बाकी का रक्त आपको वापस चढ़ा देते हैं, आपकी RBC तो बाकी सब चीज़ें आपके शरीर में वापस आ जाती हैं। तो इसमें तो रक्तदान जो पूरा होता है रक्तदान, उससे भी तो थोड़ी बहुत कमजोरी लगती है शरीर में, लेकिन इसमें तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरा सभी आप सभी लोगों से, जो भी कोरोना के मरीज रह चुके हैं, सभी लोगों से यही अनुरोध है कि जो गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना मरीज हैं उनके लिए प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी तेज़ी से रिकवर करती है। तो आप लोग अपना समय पड़ने पर प्लाज्मा दान करने से ना हिचकें, इसमें बिल्कुल किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती और बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं आती, और 72 घंटे के अंदर आप अपना प्लाज्मा बल्कि फिर से भी दान कर सकते हैं, जबकि ब्लड दान करने में तो 3 महीने का समय हमें चाहिए होता है। तो सभी से यही अनुरोध है कि कृपया, ये जो महामारी फैली है इस दौर में हम अगर इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं तो इसका लाभ उठाएँ और अपना सहयोग देकर दूसरे लोगों की जान बचाएं। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना मरीज स्वस्थ होने के 28 दिन बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, जिसे गंभीर रूप से पीड़ित मरीज के ब्लड के क्रॉस मैच किया जाता है। वे एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। कई इन जांचों में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। प्लाज्मा डोनेट करने वाले को करीब 20 से लेकर 40 मिनट तक का समय लगता है और डोनर के शरीर में मात्र 72 घंटे बाद प्लाज्मा रिकवर हो जाता है। इसके बाद यदि डोनर चाहे तो वह 3 दिन बाद पुनः प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा के माध्यम से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज का शरीर बहुत तेजी से रिकवर होता है। अलका जैन ने प्लाज्मा डोनेट करके समाज को यह संदेश दिया है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करके उनकी मदद की जा सकती है। ललितपुर से अशोक सेन की रिपोर्ट। मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल। स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।